रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां एक महीने से मंदिरों के साथ साथ कई कार्यक्रमों के माध्यम से तैयारियां चल रही हैं, वहीं हरियाणा के चरखीदादरी जिला में अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठन भी आमजन को 22 जनवरी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से मनाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही अक्षत के साथ निमंत्रण पत्र आमजन के प्रशासनिक अधिकारी को भी सौंपे गए हैं। उनका कहना है कि लोग बेसब्री से इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों के लोगों ने बताया कि लोगों को लंबे संघर्ष और सालों के इंतजार के बाद ये दिन नसीब हुआ है। भगवान श्री राम पुनः स्थापित हो रहे हैं अपने जन्म स्थान पर, उसके लिए चरखी दादरी जिले के अंदर इतनी भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं कि मैं अपने शब्दों में उसको वर्णित नहीं कर सकता। क्योंकि चरखी दादरी जिले में जैसे मेरे पास पूरे दादरी जिले के दायित्व था, तो पूरे दादरी जिले के गांव में घूमा हूं मैं, दादरी नगर में घूमा हूं, तो जहां जहां भी घूमा हूं वहां पे लोगों के अंदर इतना जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है कि कुछ लोग तो कुछ गांव तो गांव के गांव भंडारा कर रहे हैं, इसके ऊपर आयोजित कर रहे हैं, मंदिरों को सजाया जा रहा है। सब पूरे चरखी दादरी शहर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो 22 जनवरी को है, पूरे उत्साह का माहौल है, पूरे लोगों में पूरा जोश है, भगवान पर राम के प्रति भावनाएं हैं। सभी मंदिरों को 22 तारीख को सजाया जाएगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा, भजन सत्संग के कार्यक्रम किए जाएंगे। चरखी दादरी जिले के अंदर 22 जनवरी को लेकर के बड़ी तैयारियां चली हुई हैं और पूरे जिले के अंदर हमने भ्रमण किया है, अक्षत पहुंचाए हैं और अक्षत के साथ साथ चित्रक और पत्रक भी हमने निमंत्रण के तौर पर दिए जा रहे हैं। और हमारे शहर चरखी दादरी में लोगों में भारी उत्साह है इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रति, और हर जगह हर मंदिरों में तैयारियां चल रही है, सजावटें हो रही हैं और सभी जगह अक्षत वितरण और चित्र पत्रक का कार्य भी पूरा हो चुका है। तो 22 जनवरी के दिन चरखी दादरी में दिवाली जैसी रौनक नजर आएगी, जिसको लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।